नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। हटा थाना क्षेत्र सनकुइया गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के तीन लोगों पर धारदार हथियार से हमला बोलकर पिता और बेटी की नृशंस हत्या कर दी। हमले में बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे जिला अस्पताल दमोह रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि सनकुइया गांव में मुन्नीलाल अहिरवार के घर के बाहर घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने परिवार के तीनों सदस्यों पर तलवारों और चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें मुन्नीलाल अहिरवार और उसकी छोटी बेटी अनीता अहिरवार की दर्दनाक मौत हो गई और बड़ी बेटी द्रौपदी बाई हमले में घायल हुए हैं। मृतकों के शव सिविल अस्पताल हटा लाए गए। हटा सहित मड़ियादो, रजपुरा और कई थानों में पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। हत्याकांड और विवाद की वजह साफ नहीं है, लेकिन बड़ी बेटी के ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद के चलते ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा हमला करने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस और जांच अधिकारियों द्वारा अभी इस हत्याकांड में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह शिव कुमार सिंह सहित कई अधिकारी हटा पहुंचे। 22/9/2020 को लगभग 11 बजे 108 द्वारा तीन लोगों को लाया गया, जिनमें से दो लोगों की मृत्यु हो गई है एवं एक अन्य महिला घायल थी जिसका नाम द्रौपदी है, उसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल दमोह रेफर कर दिया गया। ये कहाँ से, किस गांव से? ये सनकुइया गांव से। मृतकों के नाम बता पाए? मृतक का नाम, एक का नाम मुन्नीलाल अहिरवार है जिनकी उम्र लगभग 40 साल है एवं एक अन्य बच्ची है जिसका नाम अनीता अहिरवार है जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। घटनाक्रम क्या बताएगा सर? घटनाक्रम वो बता रहे हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति था उनके द्वारा जो बताया गया, जो कि ये घटना घटित कर गया है। खबर समय जगत के लिए हटा से भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.